हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो ये है बृहस्पतिवार का दिन है ये, शाम को जो व्लॉग आपने देखा होगा पहले। तो शाम को ना हम गए थे, मतलब मेरे को सलवार का कपड़ा लाना था और एक दो कुर्ती का कपड़ा भी लेके आ गई थी मैं। तो गए थे, मैंने कहा चलो वीडियो रिकॉर्ड कर देती हूँ, और इसके बाद जो आपने वो चाउमीन वाला वीडियो देखा वो इसके बाद का था, बट ये शूट करा हुआ था तो मैंने कहा चलो डाल देती हूँ, आपके साथ शेयर करती हूँ कि मैं गई थी शॉपिंग करने। समझ लो शॉपिंग क्या है, ऐसे ही बस वो कुर्ती का वो लाना था। तो ये नेक्स्ट मॉर्निंग है और यहाँ पे मेरा झाड़ू पोछा सब हो गया है और यहाँ पे बस कपड़े धुल रही हूँ यहाँ पे, क्योंकि जैसे पता ही है बृहस्पतिवार को धुलती नहीं हूँ, तो फ्राइडे को ना ज़्यादा हो जाते हैं कपड़े। बच्चों की ड्रेसेस भी थी, अपने भी थे, तो बस यहाँ पे कपड़े वो ये कि पहले लाइट कलर के कपड़े मैंने डाल दिए थे ना, मतलब एक एक राउंड घूम भी गया लाइट कलर का, और इसी में से मैं मतलब पानी खुला है पानी से छाल छुल के निकाल रही हूँ। और मैं ना अधिकतर मशीन में ही दो तीन पानी जैसे चेंज कर देती हूँ, फिर ड्रायर में पानी लगा देती हूँ तो हो जाते हैं साफ़ कपड़े। तो अब लास्ट के कपड़े डाल रही हूँ, मतलब ये जो हमने पहन डेली वेयर के कपड़े हैं ये डाल रही हूँ। और झाड़ू पोछा तो मेरा मॉर्निंग में हो गया था, और ये देखो मैंने ना वो लगाना भूल गई, पाइप लगाना भूल गई ना, और पहले कपड़े डाल दिए तो सारा पानी पानी हो गया, जबकि आज ही सुबह मैंने बरामदा क्लीन किया था, बारिश लगी थी कल शाम को, और आज ही मैंने बरामदा मतलब गमले वगैरह हटा के अच्छे से सफाई करी थी, और फिर से मुझे देखो अब साफ़ करना पड़ा। तो ये पता नहीं मेरे साथ ऐसे ही होता है, जिस दिन मैं बरामदा क्लीन करूँगी उस दिन ज़रूर ये सब होता है मेरे साथ। तो यहाँ पे मेरे बर्तन नहीं धुले थे, बर्तन रह गए थे, और मैंने यही सोचा था कि मैं जल्दी से काम करके आज फिर मैं अपने जो मैंने कुर्ती वगैरह ला रखी, सूट मैंने दिखाए थे आपको कल, वो भी कटिंग करूँगी। मैंने कहा कटिंग करके रख दूँगी अगर सारे, तो सिल के एक एक टाइम पे एक मतलब एक दिन में एक सिल लूँगी जैसे, तो हो जाएगा। बट लेकिन यही वहाँ एक तो कपड़ों से काम फैल गया, और फिर मतलब लेट ही हो गई थी मुझे, क्योंकि अभी मैंने वो पानी साफ़ किया, फिर थोड़ी देर बाद जब मैंने पूरे पूरे वो खोल दिए कपड़े, मतलब मशीन वो कर मशीन हटा के फिर मुझे पानी साफ़ करना पड़ा, क्योंकि पानी फिर वो मतलब चले ही जाता है ना इधर उधर। तो बस यहाँ पे बर्तन धुल रही हूँ, तो बर्तन धुलने के लिए मैंने दरवाज़ा बंद किया है। दरवाज़ा इसलिए बंद किया है क्योंकि ना ये ना यहाँ से रोशनी आती है ना तो कैमरा चमकता है, इसलिए मैंने दरवाज़ा बंद कर तो इसलिए दरवाज़ा बंद करके मुझे मतलब ये करना पड़ रहा है। और मैंने ना ये जैसे कढ़ाई के किनारे किनारे ये हो रखा है ना, इसके लिए मैंने वो ला रखा है, एक रैग मार्ग होता है ना वो ला रखा है, उससे ना साफ़ हो जाता है, लेकिन मुझे मतलब टाइम ही नहीं लग रहा वो करने का, और जब याद मतलब जब टाइम रहता है तो याद नहीं रहता है, और मतलब ऐसे ही हो रहा है, ला रखा है कब से है। तो करूँगी एक दिन साफ़ दिखाऊँगी आप लोगों को, क्योंकि पहले ना मेरी मम्मी करती थी उससे साफ़। तो बस यहाँ पे सिंक वगैरह भी क्लीन कर दूँगी, और पाइप भी मैं कर ही देती हूँ जल्दी जल्दी, एक दो दिन में, जैसे अभी पानी वो आ रहा है ना वो डायरेक्ट पानी आ रहा है, तो जब डायरेक्ट पानी आता है ना तो मैं कर ही लेती हूँ। तो बर्तन धुल गए हैं यहाँ पे। तो सो फ्रेंड, मैंने सोचा जब पानी मुझे साफ़ करना ही है तो मैंने किचन में भी पानी डाल दिया, मैंने कहा इसको भी ले जाती हूँ यहाँ से, और फिर हाँ वो एक बार वहाँ किया था, फिर एक बार ये साफ़ किया, फिर मैंने लास्ट जब कपड़े पूरे धुल गए थे उसके बाद भी मैंने वो मतलब साफ़ किया था। तो ये अभी ये ले आई हूँ मैं इधर, और इसके बाद फिर जब मैंने पूरे कपड़े धुल गए थे ना तो उसके बाद भी किया, मतलब आज ये बरामदा दो तीन बार धुल गया। तो यही होता है, काम ना बढ़ जाता है पता नहीं चलता, और मैं ना भूल गई, अक्सर मेरे साथ ऐसा होता है कि पाइप लगाना भूल गई लगाना है, मतलब जहाँ मेरा रहता है मेरे बाथरूम में नल में टांगा रहता है तो मुझे ध्यान रहता है, बच्चों ने ये पता नहीं कहाँ डाल रखा था, पहले तो मुझे ढूंढने में ही उसे टाइम लग गया। तो यहाँ पे बस एक बार के कपड़े सूख गए हैं तो इन्हें निकाल के डाल दूँगी, और इनके साथ भी आज ट्रेजी हो गई, इन कपड़ों के साथ डाले थोड़ी देर सूखे जब तक तब तक बारिश आ गई, फिर मैंने निकाले फिर डाले, मतलब इनके साथ भी आज ऐसे ही होता रहा। यही होता है ना जब काम बढ़ता है तो बढ़ता ही जाता है, यही कारण है। तो ना सूट कटिंग हुआ ना कुछ हुआ, आज बस ऐसे ही निकल गया सारा दिन, जबकि झाड़ू पोछा मेरा आज बहुत जल्दी हो गया था, मतलब 8:30 बजे मेरा क्लीनिंग झाड़ू पोछा किचन काम हो गया था, आप सोचो 8:30 बजे तक हो गया था। उसके बाद यही है कि नहाना वगैरह के वॉशरूम वगैरह क्लीन किया और नहाई, और 9 बजे तक नहा भी गई थी, और ये 9 बजे का ही टाइम है जब मैंने व्लॉग स्टार्ट किया, लेकिन करते करते फिर इतना टाइम हो गया तो सूट वगैरह भी मतलब नहीं काट पाई। चलो देखती हूँ कब कटिंग करती हूँ, और अब कल हमें फिर से जाना है देहरादून, तो देखते हैं क्या होता है। और आज मुझे मतलब कहीं जाना भी है, मेरे ससुराल है ना जहाँ सास ससुर रहते हैं वहाँ जाना है। सो हेलो फ्रेंड्स,
हो गया है मॉर्निंग का काम कंप्लीट, मैं भी रेडी हो गई हूँ क्योंकि अब हन्नू को लेने जाना है। जैसा आपको पता ही है बच्चों को लेने का टाइम हो जाता है। दाल भी मैंने उबाल ली है, सब चीज़ हो ही गया है, मतलब जो मॉर्निंग का है। और ये पानी रखा है अपने पीने के लिए, मैंने कहा मैंने ऐसे करती हूँ आजकल, जैसे आधी बोतल एक टाइम या आधी बोतल एक टाइम मतलब पानी पी रही हूँ काफ़ी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है सेहत के लिए। अगर आप लोग नहीं पीते हो आप लोग भी पियो। तो कल शाम को जैसे आपने फर्स्ट क्लिप में देखा होगा कि कल शाम को हम कहीं गए थे, मतलब मेरे को ना ये मेरा सूट है, ये मेरा हन्नू से होने के पहले का सूट है, मतलब 6-7 साल हो गए और बिल्कुल न्यू रखा है, अच्छा सूट है ये। ये है नीचे नीचे पूरी कढ़ाई है और नीचे है, तो ये सूट है मेरा। तो इसके ना चूड़ीदार सलवार, उस समय चूड़ीदार सलवार चलती थी बहुत, चूड़ीदार सलवार बनाई थी और अब ना पहन ही नहीं जाती, मतलब अजीब सी लगती है। तो फिर मैंने इसके लिए सलवार लेने गई थी, तो ये लाई हूँ मैं इसके साथ का सलवार, बिल्कुल परफेक्ट मैचिंग भी नहीं है बट लेकिन ठीक है। तो ये लेने गई थी मैं, मैंने कहा ये सूट रखा है तब से पहन लूँगी इसे, और फिटिंग वगैरह ठीक है। मैंने हाँ मैंने वो ढीला कर दिया था, मतलब अब तो टाइट हो गया था उस समय से, तो ये सलवार लाई थी। तो गई थी वहाँ तो, और सेम इसी कलर की कुर्ती का कपड़ा भी लिया है। बारिश लगी है, एक मिनट बारिश, जबकि धूप भी आ रही है, मतलब हल्के हल्के, सुबह से तो मौसम ख़राब था। रात को ही 10 बजे से इतनी तेज़ बारिश शुरू हो गई थी, तो एक तो ये टीनेस में साफ सुनाई देता है फिर, और बहुत तेज़ बारिश शुरू हो गई थी। तो रात को 12-1 बजे तक होती रही, फिर सुबह भी मेरी सुबह नहीं हो रही। और अभी कपड़े फैलाए थे मैंने 2 बार गए, जबकि मैंने कहा एक बार डालती हूँ, इसीलिए मैं छत पर नहीं डालती हूँ क्योंकि फिर छत पर भाग भाग के जाओ। तो अब वही थोड़ा थोड़ा सूख गए थे, थोड़ा रह गए थे हल्के हल्के, वो भी देख के। हाँ तो मैं बता रही थी ये सलवार का कपड़ा है और इसी के मुझे ना यही कलर पसंद आया, ये बहुत सुंदर है कुर्ती का कपड़ा। और जहाँ मैं गई थी लेने ना, वहाँ थोड़ा रेट अच्छा है, मतलब हरिद्वार मार्केट नहीं गई थी मैं, थोड़ा इधर की तरफ है, मतलब इधर लक्सर की तरफ, मेरे हस्बैंड जहाँ जॉब करते उधर की तरफ है मार्केट, वहाँ गई थी मैं लेने। तो 250 का पड़ा है मुझे ये कुर्ती का कपड़ा, और बहुत सुंदर है। इसमें कलर थे, मेहंदी कलर भी था, ब्लू भी था, ब्लू मेरे पे बहुत है, येलो भी था, येलो मेरे पे बहुत है, तो वैसे तो ये कलर भी हो गया सी। तो देखती हूँ, तो अब सोच रही हूँ कि इसकी पैंट सिलवा लेती हूँ, इसके साथ भी काम आ जाएगी, इसके साथ भी काम आ जाएगी। तो ये हो गया, और एक कुर्ती का कपड़ा ये लाइए मैं डेली वेयर के लिए। तो ये शॉपिंग करी है, शॉपिंग की समझ लो। एक तो ना लॉकडाउन से हमने लिए ही नहीं कपड़े, लिए हैं मतलब ऐसे लिए हैं, कुर्ती प्लाजो सेट लिया या हैवी ऐसे सूट लिए, मतलब डेली वेयर के लिए ही नहीं, डेली ऐसे हल्के फुल्के ना जैसे लिए ही नहीं है। तो बस यही था कि उन्होंने कहा चलो ले लेते, मैं गई तो सलवार के कपड़े के लिए थी, फिर उन्होंने कहा ले लो जब तुम्हें पसंद आ रहा है तो ले लो, फिर ले लिए थे मेरे लिए। और अभी वो सूट भी जो कल दिखाया था, तो सोच रही सब अब ये कटिंग हो जाए ना एक बार, तो स्टिचिंग में तो एक दिन एक सिल लो। और सोचा था मैंने अभी सिलूँगी, लेकिन वही है मैंने बता दिया आपको कि टाइम ही नहीं मिला। तो चलो इसी के साथ वीडियो को एड करती हूँ, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।